हेलो एवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन से क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं ये है यूजीसी नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस का 2023 जून का क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने ऑलरेडी सेवेंटी क्वेश्चन तक कवर कर लिया है हमने इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में टेन टन क्वेश्चंस कवर किए हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी ना हो जाए वो वीडियो और आप बोर ना हो इस वजह से हमने इन मल्टीपल वीडियोस में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है जैसे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे आपको वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अभी हमारा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन चल रहा है राइट right? आप हमेशा देखोगे ये वाला क्वेश्चन का ट्रेंड होता है लाइक फाइव क्वेश्चन या टेन क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले होंगे असर्शन रीजन वाले पहले क्वेश्चन बहुत होते थे अब स्टेटमेंट

इसके अलावा लॉन्ग येलो रॉड्स तो हम देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सो कोकेन का जो स्ट्रक्चर uh, होता है वो फोग्ड रॉड की तरह होता है एम डी एम एक्स शेप क्रिस्टल विच इज़ बाई सेक्टेड बाय अ बाड मेथ एंड मेथ एम्फेटामीन इज लॉन्ग येलो रॉड्स एंड एम्पेटमीन एम्फेटामीन हैज़ वाइड एक्स शेप टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सो यू कैन मैच द

रिड्यूज द फ्लेम ट टेमपरेचर इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोपलेंट रिड्यूज बोर्निंग रेट ऑफ ग्रेन सर्फस एंड जिले एंड देन जिलेटन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलो सो ये सारे के सारे क्या हैं ऑप्शन है हम करेक्ट मैचिंग यहाँ पर देख लेते हैं स्टेबिलाईजर्स रिड्यूस द बोर्निंग रेट ऑफ़ दी ग्रेन सर्फिस क्योंकि वो स्टेबलाइज करते हैं वो ग्रेन सर्फिस को रिड्यूस करते हैं और बर्निंग रेट भी रिड्यूस होती है देन वी हैव प्लास्टिसाइजर्स ये एक तरीके का जलेटिन होता है नाइट्रोसाइलियोलोज का देन वी हैव कूलेंट्स इट रिड्यूस द फ्लेम टेम्परेचर देन वी हैव सर्फेस मॉडर्न इट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ अ प्रॉपलेंट सो दिस इज दी करेक्ट मैचिंग ऑफ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू प्लीज फॉलो दिस मैचिंग दिस इज द करेक्ट आंसर वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री यहाँ पे भी आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है वी हैव लिस्ट वन एंड देन वी हैव लिस्ट टू दोनों को मैच करना है हियर वी हैव फ्यू थिंग्स जैसे कि इंट्रयूजन कॉम्प्रोमाइज स्पैमिंग एंड बैकडोर ये आपकी कंप्यूटर फोरेंसिक्स से रिलेटेड हैं यहाँ पे लिस्ट टू में क्या लिखा हुआ है रिप्लेसिंग और मॉडिफाइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू फैसिलिटेट एनऑथोराइज एक्सेस डेंड वी हैव सेंडिंग अनसोलिसिटेटेड मैसेजेस यूजली बाय ई मेल्स इसको तो हम स्पैमिंग बोलते हैं अ प्रोग्राम विच ओपन एक्सिस मशीन फ्राम आउटसाइड टू अलाउ एन अनऑथोराइज इंट्र्यूडर इन टू द मैकेजम इट इन्वॉल्व obtaining unauthorized access to a computer. this is correct answer. they clear the intrusion is it involves obtaining unauthorized access to a computer. this is intrusion. compromise is replacing or modifying part of a computer system to facilitate an unauthorized access. spamming is sending unsolicited messages which is usually by emails. then we have backdoor. it is a program that opens access to a machine from the outside to allow unauthorized intruder into the machine. Machine. तो ये सारे के सारे इसके करेक्ट कॉम्बिनेशन है प्लीज फॉलो दिस मैचिंग बिकॉज इट इज द करेक्ट 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 पॉसिबल मैच फॉर लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ओके सो लेट्स मोट टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव यू जी सी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर टू का कोर्स ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन में एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोर्सेस स्टडी मटेरियल कोर्स एंड वीडियो लेक्चर कोर्स वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी वीडियो लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स पी डी एफ नोट्स यूनिट वाइज टेस्ट मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के टेन क्वेश्चंस ये सारे के सारे आपको अवेलेबल रहेंगे यूनिट वाइज टेस्ट में आपको पेपर वन की टेन यूनिट्स और पेपर टू के टेन यूनिट्स के यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स में पेपर वन के नोट्स पेपर टू के नोट्स आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन का कंप्लीट यूजीसी जी नेट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें से फिफ्टी क्वेश्चन पेपर वन के होंगे और हंड्रेड क्वेश्चन पेपर टू के होंगे तो इसी स्कीम में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और डिस्कशन भी डिस्कशन भी आपको देखने को मिलेगा जो स्टडी मटेरियल कोर्स है उसमें वीडियो लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स और इनका डिस्कशन वीडियो बस इंक्लूडेड नहीं है अदरवाइज सारी चीज़ें उसमें भी इंक्लूडेड है इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर स्टडी मटेरियल कोर्स यू कैन जॉइन दैट इफ़ यू वांट टू जॉइन आर वीडियो लेक्चर कोर्स देन यू कैन ऑल्सो जॉइन दैट इट इज़ वेरी अमेजिंग एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी टू क्रैक योर जे आर एफ एंड यू जी सीन एट पेपर इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट सो डोंट फर्गेट टू जॉइन आर क्लासेज अवेलेबल इन आर एप्लीकेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर अगेन वी हैव पेपर Again, we have list one and list two, Ya Belikkawa, single shoot pistol. Then we have swing out revolver. नेक्स्ट वी हैव डेरेंजर देन वी हैव कार्बाइन तो इसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आपको लिस्ट टू में देखने को मिल रहे हैं आपको करेक्ट मैचिंग करनी है सो हम सीधे सीधे करेक्ट मैचिंग के साइड पर चलते हैं देन वी हैव सिंगल शूट पिस्टल सो अ पिस्टल दैट हैज वन फायरिंग चेम्बर दैट इज इंटीग्रल विद अ बैरल विच इज़ लोडेड मैनअली ईच टाइम विंद पिस्टल विद द वेपन इज टू बी फायर्ड सिंगल शॉट है मतलब एक शॉट के बाद आपको फिर से आपकी गन को प्रिपेयर करना पड़ेगा टू शूट अगेन Then we have swing out revolver, revolvers, the revolvers in which one uh, on pressuring the cylinder lash on the side of the frame the pushing the cylinder to the left exposing to chambers in swung back after loading into the frame that is swing out a revolver then we have dead it is small pocket firearm that have multiple barrels each of which is a loaded and fired separately to a side a road or a barrel ends a loaded or a barrel जहाँ से गोली फायर होती है वहीं से ही आपको लोड करना होता है दीज आर डेरेंजर्स देन वी हैव कार्बाइन इट इज़ अ राइफल विद अ शॉर्टनड बैरल ये एक तरीके की राइफल होती है बट इनकी बैरल काफ़ी छोटी होती है ये इनका करेक्ट मैच है नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव अगेन वी हैव लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ये आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है माइक्रो प्रिंटिंग वाटर मार्क्स होलोग्राम्स फ्लोरिस Fibers here we have dandy roll passport difficult to read by naked eye 3D laser printed images etc. Then we have micro printing, micro printing a correct match hai? It is difficult to read by the naked eyes. Then we have watermark, watermark is present in the passport. Then we have hologram, hologram have 3D laser printed image. Then we have fluorescent fiber, which is

ठीक है आपको सही वे में अरेंज करना जैसे कि मर्क्यूरी फॉर्मोनेट लेड अजाइड लेड स्टिफनेट सिल्वर अजाइड एंड टेट्राजीन तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बट किस सीक्वेंस में ऑन द बेसिस ओके सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी बी ए डी ई क्योंकि हम मॉलिकुलर वेट देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है लेड स्टिफनेट का लेड स्टिफिनेट के बाद है टू नाइंटी वन पॉइंट टू टू दैट इज लेड अजाइड लेड अजाइड के बाद मर्क्यूरी फर्मिनेट टू एटी फोर पॉइंट सिक्स वन फिर है सिल्वर अजाइड का दैट इज वन फोर्टी नाइन पॉइंट एट सेवन एंड देन वी हैव टेट्राजीन जिसका वन सिक्सटी वन पॉइंट वन ग्राम पर मोल तो ये इनका करेक्ट अप्रोक्सीमेटली आई मीन अप्रोक्सीमेटली मॉलिकुलर वेट है दिस इज दी करेक्ट पॉसिबल सीक्वेंस बट यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि सी बी ए डी ई है ही नहीं सो सी बी ए ई डी है सो दैट्स वाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री कैन बी द करेक्ट आंसर क्योंकि 149 146 में थोड़ा ही डिफरेंस है इट इज़ ऑलरेडी इन 140 की लाइन में सो दैट्स वाई इस वजह से हम ऑप्शन थ्री के साथ ही जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 77 अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डेंसिटी देन वी हैव कैरोसिन जायलिन नाइट्रोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एक्सेट्रा इसका करेक्ट आंसर है ह्योर हमें किस तरीके से अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डेंसिटी डेंसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है सबसे पहले आप डेंसिटी देख लो किसकी कैसी होती है सो डेंसिटी ह्योर इज़ अप्रोक्सीमेटली कैरोसिन का जीरो पॉइंट एट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देन वी हैव जायलिन जीरो पॉइंट एट सेवन देन वी हैव नाइट्रोबेंजीन वन पॉइंट टू देन वी हैव ब्रोमोबेजीन दैट इज़ वन पॉइंट फाइव तो इसी तरीके से होगा कैरोसिन जायलिन नाइट्रोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सो कैरोसीन जायलीन कैरोसीन जायलीन ओके दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ए बी सी डी ऐसे ही है ओके कोई चेंज नहीं है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट नॉर्मल सीक्वेंस विच इज मिनिमल टू सर्वर ऑफ अ फाइल प्रोग प्रोग्रेस इज इन्सीपियट ऑक्सीजन रेगुलेटेड मॉलरिंग ऑक्सीजन रेगुलेटेड मॉलरिंग एमरजेंट स्मोल्डरिंग देन वी हैव फ्री तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले ए बी सी डी राइट इंसिपेंट ऑक्सीजन रेगुलेटेड स्मोल्डरिंग एमरजेंट स्मोल्डरिंग फ्री बोर्निंग एक्सेट्रा ये आपके फायर और आर्सन से रिलेटेड है दिस इज दट फॉर ईच करेक्ट I mean, so, yes, आंसर है आंसर नंबर बी सी डी ए बी सी डी बी सॉरी सो बी सी डी ई ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है सो so, ये इनका करेक्ट सीक्वेंस है एट अ पेपर प्रेसर ऑफ ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटी अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड द एंट्री वून्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द डोमाइनिंग द रेंज ऑफ फायरिंग सो आपको एंट्री वून्ड के चार्टिस्टिक्स आपको देखने एंड देन वी हैव टू अरेंज इट स्क्रशिंग नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन अनबर्न पाउडर ग्रेन्स एंड ब्लैकनिंग सो द करेक्ट ऑप्शन ह्योर इज डी ए सी बी सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी ब्लैकनिंग दैन स्क्रशिंग देन अनबर्न पाउडर ग्रेन्स एंड देन बी दैट इज नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इनकेस ऑफ गन शॉट बोन्ड एट दी पॉइंट ऑफ एंट्री ठीक है जिसकी जिस जिसकी वजह से आप रेंज डिटरमाइन कर सकते हो जितना ज़्यादा पास रेंज होगा उतना ही ज़्यादा अनबर्न पाउडर ग्रेंस का डिपोजिशन ब्लैकनिंग ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा दूर से होगा वो कम होती चली जाएगी तो इसके बेसिस पे आप डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन हुए इज फायरिंग द गन डिटेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, ओके सो दिस इज द्वेश्चन क्वेश्चन एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक ही हम कवर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं आज ही डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक है आप एप्लीकेशन फोन में भी यूज कर सकते हो लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो तो कोई ऐसेज प्रॉब्लम की बात नहीं है यू use these applications freely in your digital devices or in classes aap laga sakte in digital devices se. okay everyone thank you so much for watching this video have a great day ahead take care of yourselves and see you guys in the next video till then take care bye bye